हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बेबी कैप बनाना बता रही हूँ। ये हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है 9x16 इंच का, ये बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। ये मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, इसको थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड कर करके सिलाई लगा देंगे। अब हम प्रिंटेड कपड़े का राइट साइड अंदर लेंगे और राइट साइड में ही हम इस पे प्लेट्स डालेंगे। फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरे हर एक वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अब दूसरे वाले कपड़े को भी हम इसके ऊपर रख करके सीधा सिलाई लगा देंगे। ये कैप मैं बना रही हूँ 6 महीने के बच्चे के लिए। बाकी जो कैप का साइज है वो बच्चे के सिर के हिसाब से डिपेंड करता है। ऊपर एक सिलाई और लगा के डबल करेंगे इसको, और ये जो राउंड में यहाँ पे दे रही हूँ आप देख रहे हैं, ये 2 इंच पे दिया है मैंने। इसी मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अभी अंदर वाले इस कपड़े को कट कर देंगे। कैप को सीधा करेंगे। इसके बाद फिर हम एक 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और जैसे हम डोरी सिलते हैं वैसे इसको सिलेंगे, यानी कि सलवार के लिए नाड़ा वगैरह, और उसको एक साइड में 6 से 7 इंच सिलने के बाद डोरी के बीच में हम कैप के नीचे वाले हिस्से को रख करके सिलाई लगाते आएंगे। इससे ऊपर और नीचे दोनों साइड से डोरी की सिलाई एक साथ हो जाएगी। जब हम कैप के सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे हम 2 प्लेट्स लगाएंगे। ये मैंने मशीन के साइड में करके लगाया है और दूसरा अपने वाली साइड में करेंगे प्लेट्स का, एक दूसरे के अपोजिट साइड में। इससे सिर में कैप बहुत अच्छे से फिट होती है। अब पूरे में सिलाई लगा देंगे लास्ट तक। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत इजी सिंपल तरीका यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।